तो आज की ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी अलग होने वाली है। क्यों ओपी भाई, आज मोजरा करके दिखाने वाले हो क्या? अरे भाई तुम्हें कैसे पता लगा? तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में एंड इस बारे में कि क्या एनिमेशन में सच में स्कोप है एंड क्या आप एनिमेशन को एज अ करियर ऑप्शन ले सकते हो एंड हाउ टू लर्न एनिमेशन। एंड इसी वीडियो में मैं आपको अपने यूट्यूब की अर्निंग भी बताऊंगा। तो अभी तक मैंने यूट्यूब से अर्न किया है, अब फालतू की बातों को इग्नोर करते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो एनिमेशन सीखने की जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है ड्राइंग, एंड यही मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम भी है कि उन्हें ड्राइंग अच्छे से आती नहीं है। और अगर आप एनिमेशन को लेकर सच में सीरियस हो तो ड्राइंग तो सीखना ही पड़ेगा। यही मेन रीजन है कि मैं अपने चैनल पे मोस्टली ड्राइंग रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करता हूँ, ना कि एनिमेशन रिलेटेड। तो हम ड्राइंग कैसे सीख सकते हैं, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं अभी आपको देता हूँ। बट उससे पहले हम एक और प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं, जो है फिंगर से फोन पे ड्रॉ करना। तो काफी लोग कमेंट करके मुझसे पूछते भी है कि भाई आप फिंगर से ड्रॉ करते हो या स्टाइलिश से। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा मैं फिंगर से ही ड्रॉ करता हूँ, एंड फिर काफी लोग कहते हैं कि भाई फिंगर से इतना अच्छा ड्रॉ कैसे कर लेते हो। तो जब मैंने एनिमेशन करना स्टार्ट किया था तो मेरी पेपर ड्रॉइंग अच्छी थी, सो मैंने सोचा कि मैं भी एनिमेशन करना शुरू करता हूँ। बट जब मैंने फोन पे ड्रॉ किया फर्स्ट टाइम तो भाई बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं हुआ था। तो जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता गया फोन के स्क्रीन पे फिंगर से ड्रॉ करने की, वैसे वैसे मेरी ड्रॉइंग भी अच्छी होने लग गई। तो अब हम बात करते हैं हमें ड्राइंग कैसे सीखनी है। तो ड्राइंग सीखने के लिए हमें यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वो देख के सीख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ चैनल्स के लिंक भी दिए हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो, जहां से मैंने काफी कुछ सीखा है। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे ड्राइंग और एनिमेशन सीखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात या फिर अनाउंसमेंट, तो अब से मैं वीक में 2-3 दिन लाइव स्ट्रीम किया करूंगा, जिससे मेरी भी स्किल इंप्रूव हो और साथ साथ में आपको भी कुछ सीखने को मिले। एंड लाइक लाइव स्ट्रीम में ये होगा कि आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी आप वो इंस्टेंट मेरे से पूछ सकते हो और मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। एंड इसके अलावा मैं लाइव स्ट्रीम में जो भी ड्रॉ करूंगा वो सिर्फ आपको देखना ही नहीं है, साथ में आपको भी ड्रॉ करना है एंड ड्रॉ करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप शेयर करना, एंड इससे मेरी भी स्किल इंप्रूव होती रहेगी एंड आपकी भी स्किल इंप्रूव होती रहेगी। तो ऐसे हम साथ में एनिमेशन सीखते हैं। सो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसमें हम देखेंगे क्या एनिमेशन में सच में स्कोप है। तो बेसिकली सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो हाँ भाई एनिमेशन में बहुत स्कोप है। और क्या आप एनिमेशन को एज अ करियर ऑप्शन ले सकते हो, तो भाई इसका आंसर तो मेरे तरफ से नो होगा, बिकॉज आप बिल्कुल भी एनिमेशन पे डिपेंडेंट मत रहो। माना कि उसमें स्कोप है, बट अभी तो इंडिया में एनिमेशन फील्ड में इतनी ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, बट इन फ्यूचर ये कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा बढ़ सकता है। और आप एनिमेशन सीख के ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, या फिर किसी कंपनी के लिए आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए एनिमेशन कर सकते हो। एंड व्हाट इफ आपको कोई काम ना मिले, एंड यूट्यूब चैनल से कितनी अर्निंग होती है ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही। सो आप एक काम कर सकते हो, एनिमेशन को एज अ बैकअप लेकर चल सकते हो, स्टडी को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दो एंड उसके बाद जो भी टाइम बचे जो आप सोशल मीडिया को देते हो उसके जगह आप एनिमेशन सीखने में टाइम लगाओ। एंड इससे क्या रहेगा कि आपके पास एनिमेशन एज अ बैकअप भी रहेगा और साथ साथ में आपकी स्टडी भी होती रहेगी। तो एनिमेशन एंड ड्राइंग करते टाइम एक और प्रॉब्लम जो मोस्टली लोगों के साथ होती होगी, डिस्ट्रैक्शन, जो कि मेरे साथ भी काफी ज्यादा होती है। सो डिस्ट्रैक्शन वगैरह को कम करने के लिए मैं एक सिंपल सा आपको आइडिया बताता हूँ, जो कि मैं भी खुद भी फॉलो कर रहा हूँ करंटली। आप डेली का एक गोल डिसाइड कर लो कि आपको एटलीस्ट 2 घंटे तो आईबीस पेंट एक्स को देने ही देने हैं, जिसे आप स्क्रीन टाइम में इजिली देख सकते हो। लाइक मैंने एक गोल रखा हुआ है कि डेली के मैं 4 घंटे आईबीस पेंट एक्स को दूंगा। इस तरीके से आप स्टार्टिंग में 2 घंटे रख सकते हो। और एक और प्रॉब्लम, काफी लोगों के पास पर्सनल फोन नहीं है, सो वो पेपर पे ड्रॉ करो। 2 घंटे का आप टारगेट रखो कि 2 घंटे आपको पेपर पे ड्रॉ करने ही करने हैं। टाइमर लगा लो चाहे जैसे मर्जी, आप बस 2 घंटे पेपर पे ड्रॉ करो, इससे आपकी ड्रॉइंग स्किल जरूर इंप्रूव होगी। सो आई होप मैं आप सभी के डाउट क्लियर कर सका हूंगा। सो अब हम बात करते हैं मैं यूट्यूब से कितना अर्न करता हूँ। तो वैसे तो यूट्यूब की अर्निंग फिक्स नहीं होती है, बट मैं आपको ओवरऑल एवरेज बता सकता हूँ। सो यूट्यूब पे 4K व्यूज से लेके 5K व्यूज पे $1 बनता है, एंड किसी किसी वीडियो पे मेरे 5K पे $1 बनता है, किसी पे 3.5K पे ही बन जाता है, एंड एवरेज बोलू तो 4K व्यूज पे $1 बनता है। सो इस अकॉर्डिंग आप एस्टिमेशन लगा सकते हो कि मेरे यूट्यूब अर्निंग कितनी कम होगी या फिर कितनी होगी। तो आई होप आप सबके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि हम साथ में एनिमेशन सीखे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और चैनल पे और भी काफी सारी यूजफुल वीडियोज हैं, आप वो देख सकते हो। एंड बाकी लाइव स्ट्रीम हम करेंगे रेगुलरली। बाकी अगर आपको कैरेक्टर डिजाइन, स्टोरी टेलिंग पोजेस, बैकग्राउंड या थंबनेल कुछ भी बनवाना होगा तो आप ओपी स्टूडियो पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।